प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो पे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा स्कॉर्पियो कितनी एवरेज देती है। दोस्तों रियल लाइफ एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि सिटी में और हाईवेज पे कितनी फ्यूल इकोनॉमी है स्कॉर्पियो की। दोस्तों इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में डिस्प्ले होता है एवरेज वगैरह क्या है। फिलहाल दोस्तों थोड़ी कम दिखा रही है गाड़ी, एवरेज 12.6 दिखा रही है। पर दोस्तों मैं आपको एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। दोस्तों गाड़ी के अंदर 6 गियर हैं, उन 6 गियर्स को अगर आप अच्छी तरह यूटिलाइज़ करते हो, पहले थोड़ी गाड़ी को बैक ले जाते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन आ रहा है म्यूजिक प्लेयर पे, अगर आप उनको 6 गियर को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करते हो तो काफ़ी बेहतरीन ये फ्यूल इकोनॉमी डिलीवर कर देगी। क्योंकि दोस्तों इसका मतलब इंजन बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है, जो मैंने महसूस किया है अपने मतलब हाईवेज पे। मैंने करीब इसको 80 किलोमीटर करीब चलाया है और सिटी में रेगुलरली चलाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं अगर आपको दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले में कितना एवरेज शो हो रही है या फ्यूल इकोनॉमी शो हो रही है। दोस्तों कार इन्फॉर्मेशन के आपको बटन दबाना है और पहला ऑप्शन ही फ्यूल इकोनॉमी है। दोस्तों इसमें दोस्तों 12.6 दिखा रहा है, हालांकि ये टोटल प्योर दोस्तों मैंने रीसेट कराया था और सिटी में ड्राइव किया है, तो 12.6 दिखा रहा है दोस्तों, जो काफ़ी बेहतरीन है बाकी एसयूवी के हिसाब से। क्योंकि 7 सीटर है दोस्तों और इतना पावरफुल इंजन है, एसी वगैरह काफ़ी पावरफुल है और मैंने फुल टाइम एसी ऑन करके ही चलाई है गाड़ी। दोस्तों हाईवे पे दोस्तों मैंने 80 किलोमीटर की करीब मैंने एक राइड की थी, ड्राइव किया था, तो उसमें दोस्तों इसने आराम से दोस्तों मेरे को 16-18 एवरेज दे दी थी। क्योंकि 6 गियर है दोस्तों इसके अंदर, अगर आप 80-100 की स्पीड पर क्रूज़ करोगे तो एवरेज आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। मेरे पास दोस्तों वरना भी ऑटोमेटिक डीजल में, उसमें दोस्तों उसके मुकाबले तो काफ़ी अच्छी एवरेज दे रही है ये। तो दोस्तों इस 6 गियर को दोस्तों अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, प्रॉपर गियर शिफ्टिंग करोगे, आरपीएम मतलब 2500-3000 तक आप लेके जाओगे गाड़ी के, तो अच्छी एवरेज दे देगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।